देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर कर रहे थे ये इस पे जो भी कंसेप्ट था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक हम लोगों ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था कैसे होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैनेजरियल रेमुनरेशन देखा था और फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है वो भी हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर देखो इससे रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चन हो गए, बट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये बाकी है। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है उसी का शायद क्वेश्चन है, देख लेते जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते तो हम लोग का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4, 5, 6 बाकी था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निस्ड बाय अल्फा लिमिटेड। ठीक है, फर्निस्ड बाय अल्फा लिमिटेड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला एज ऑन 31 मार्च 2001 एज रिक्वायर्ड बाई पार्ट 1 शेड्यूल 3। पार्ट 1 शेड्यूल 3 इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो फॉर्मेट से बैलेंस शीट बनता है वो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के हिसाब से होता है और जो PL बनता है वो पार्ट 2 के हिसाब से होता है, इसीलिए ये बोला हुआ है और कुछ नहीं। टू द कंपनीज एक्ट 2013 और ये कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनता है। इक्विटी शेयर कैपिटल तो बताओ कहाँ जाना चाहिए, देखते हैं याद है कि नहीं, क्योंकि मिडिल में हम लोगों ने ये फाइनल अकाउंट्स नहीं किया था, दो अलग टॉपिक डिविडेंड और कौन सा वाला किया था रेमुनरेशन वाला। तो बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, मतलब बैलेंस शीट के कौन से हेड में आता है, एकदम एग्जैक्ट हेड बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ आता है, बोलो कहाँ आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पर आएगा, कौन से हेड में आएगा। मैम शेयर कैपिटल बैलेंस शेयर, हाँ शेयर कैपिटल में आएगा। कॉल सिनेरियर ये क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, बोलो कॉल सिनेरियर का ट्रीटमेंट क्या होगा, कहाँ पर लिखना, करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी कॉल सिनेरियर कहाँ लिखेंगे, हाँ लायबिलिटी, हाँ ये इक्विटी शेयर कैपिटल से लेस होगा ना, वैसे भी कॉल सिनेरियर लायबिलिटी नहीं होता, ये क्या होता है, मतलब अगर अकाउंट के हिसाब से बोलो कॉल सिनेरियर लायबिलिटी होता है क्या, कॉल सिनेरियर का एंट्री बोलो क्या होता है, कॉल सिनेरियर लॉस होगा ना, कॉल सिनेरियो लॉस है, लायबिलिटी का है लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, ये लेस हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल से। लैंड एंड बिल्डिंग पीपीई, ठीक है पीपीई में कौन से पॉइंट में जाएगा, टेंजिबल में जाएगा। ठीक है पीपीई टेंजिबल, मतलब पीपीई फॉर टेंजिबल ही होता है तो पीपीई लिखेंगे काम हो जाएगा। प्लांट मशीनरी पीपीई, फर्नीचर पीपीई, जनरल रिजर्व रिजर्व सरप्लस में आएगा। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये कहां पर आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है देखो याद नहीं रहेगा तो फिर हम लोग सही आंसर भी नहीं दे पाएंगे। इन्वेंट्रीज का बताओ, इन्वेंट्रीज ये दे रखा है, ये सब क्या है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है ये बैलेंस शीट बनाना है ना, इससे हमें ये क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 2,50,000 और 10,00,000 ये टोटल, ये हम लोग का किस में आएगा, इन्वेंट्री में करेंट एसेट में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये हम लोग का आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। ठीक है ट्रेड रिसीवेबल ये हम लोग का करेंट एसेट में आएगा, शॉर्ट टर्म एडवांसेस ये लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा क्योंकि ये एसेट है। ठीक है डेबिट साइड दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हम लोग का कहां पर जाएगा, रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा, ये प्रीवियस ईयर का जो पीएल है। कैश इन हैंड कैश एट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। अनसिक्योर्ड लोन जो है ये हम लोगों का लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ जाएगा, अनसिक्योर्ड बोल के हेड करके हम लोग दे देंगे वहां पर। ट्रेड पेबल ये जो है ये ट्रेड पेबल के अंडर ही आ जाता है, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, तो ये लोन्स एंड एडवांसेस ये लोन लिया गया है तो ये हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा। फिर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 10,000 इक्विटी शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कैश नहीं मिला था फिर भी ये शेयर इसका मतलब अदर देन कैश पर्पस पे इशू हुआ है तो इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है
नोट्स टू अकाउंट्स में. ट्रेड रिसीवेबल जो 6 मंथ से ज्यादा ड्यू है उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ द एसेट में बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर का कॉस्ट बताया है और यहाँ कॉस्ट का डिफरेंसेस चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना डिप्रिसिएशन लगने के बाद ये कॉस्ट इनकर्ड, मतलब ये कॉस्ट हुआ है. तो ये 30 लाख है बिल्डिंग का, जैसे देखो 30 लाख है, यहाँ पर बिल्डिंग दिख रहा है 27 लाख 50, मतलब कॉस्ट था 30 लाख, अभी हुआ है 27 लाख 50, तो डिप्रिसिएशन लगा है. ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो बैलेंस शीट पे डिप्रिसिएशन दिखाना नहीं होता है, हम लोग क्या दिखाते हैं, मेनली नेट वैल्यू ऑफ द एसेट दिखाते हैं. और अगर हम लोग एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन फॉलो करना पड़ता है तब कॉस्ट दिखाते हैं, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं बोला है. तो हम लोग अभी एसेट का जो वैल्यू है वही दिखाएंगे, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में इसको पूरा कम दिखाना पड़ेगा कि वैल्यू कैसे कम हुआ है. ठीक है, मतलब ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू ड्यू टू डिप्रिसिएशन. द बैलेंस ऑफ 7 लाख 15 लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 37,500 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू. बोल रहा है कि 7,50,000 का लोन अकाउंट जो है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, उसमें 37,500 का इंटरेस्ट जो है ये एक्रूड हुआ है बट अभी तक ड्यू नहीं हुआ है. मतलब एक्रूड हो गया, ड्यू कब होता है, ड्यू डेट का मतलब जब पेमेंट करना हो. अब लोन लेने के बाद उस फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट एक्रूड होने लगा बट पेमेंट डेट नहीं आया तो ड्यू नहीं हुआ है, ये बताया जा रहा है. लोन सिक्योर्ड है, हाइपोथिकेशन किया हुआ है प्लांट मशीनरी से. बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 10,000 विद ओमेगा बैंक लिमिटेड विच इज नॉट शेड्यूल बैंक. तो बैंक बैलेंस शेड्यूल बैंक के साथ है और जो शेड्यूल बैंक नहीं है उसके साथ भी है. ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व टू प्रोपोज बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो इस बार 20,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा. कहां से ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. ठीक है, तो ये 20,000 का जो अमाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आके ऐड हो, यहां से डिडक्ट हो जाएगा. कितना, पीएल से डिडक्ट हो जाएगा 20,000 और ये 20,000 जाके जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर्स डिविडेंड 5% ऑन द पेड अप कैपिटल ऑन 2nd अप्रैल. क्योंकि 2nd अप्रैल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो इसका इंपैक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेट में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग 31 मार्च तक का प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, तो पहले बना लेते हैं हम लोग बैलेंस शीट. इससे बैलेंस शीट ही बोला है तो बैलेंस शीट बनाते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2001. अब बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो तुम लोग खुद से बनाओ और क्या क्या डेटा है वो तो एक राउंड में याद रहेगा तो उसी हिसाब से पूरा बैलेंस शीट में जो भी लिखना चाहिए वो लिखो. खुद से बनाओ, ठीक है, मेरा देख के मत करो, तब तुम लोग को भी पता चलेगा कि क्या क्या पॉइंट रहता है. ये हो जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स के लिए और ये नोट नंबर, ये कॉलम जितना छोटा हो उतना चलेगा, ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा कर लिया. नोट नंबर ये एक छोटा सा कॉलम होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ नोट नंबर लिख लेंगे. अमाउंट हो गया. सबसे पहला होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इसके अंडर आ जाता है शेयर होल्डर फंड, ये सब याद रखना पड़ता है. शेयर होल्डर्स फंड, इसमें आएगा शेयर कैपिटल. रिजर्व एंड सरप्लस, अच्छा इसके बाद आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी. अब नॉन करेंट लाइबिलिटी में नॉर्मली जो आता है दैट इज लोन वगैरह आता है, तो यहाँ पर लोन था तो हम लोग एक लोन का पॉइंट बना लेते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग. ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग था, लॉन्ग टर्म बोरिंग. और कुछ होगा तो एक लाइन थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं गैप, अगर कुछ होगा तो लिख लेंगे. और दूसरा होता है करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल था, ठीक है,
शॉर्ट टर्म प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, ट्रेड पेबल था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन था. तो जब पढ़ोगे थोड़ा सा मतलब ध्यान से पढ़ना है ताकि हम लोग समझ में आ जाए कि कितना जगह रखना पड़ेगा. अब अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन याद नहीं रहेगा, इसके बाद लिखना स्टार्ट कर दोगे फिर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है. तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी बनेगा. इसलिए जब हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे ना, उसके साथ साथ थोड़ा सा कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो कि कौन कौन सा हेड मेरा बनना चाहिए. अब यहाँ पर हम इस तरह से नहीं कर रहे, बट तुम लोग बाकी टाइम पे अपने प्रैक्टिस के टाइम पे इस तरह से कर सकते हो, तो पता चल जाएगा कि कितना सारा आइटम यहाँ पर लिखना पड़ेगा. अच्छा, और एक शॉर्ट टर्म बोरिंग भी था, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये हम लोग का हो जाएगा लाइबिलिटी साइड. अब एसेट साइड, एसेट का भी मेनली दो, नॉन करेंट और करेंट, ठीक है. तो यहाँ पर लिखते सबसे पहले नॉन करेंट, नॉन करेंट एसेट. नॉन करेंट में होता है पीपीई. अच्छा, इनटेंजिबल कुछ पढ़ा नहीं था, अगर इनटेंजिबल होता तो वो भी आ जाता. पीपीई मतलब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, और इनटेंजिबल होने से ये पॉइंट भी नॉन करेंट में कवर होता है, बट कहीं पर भी हम लोगों ने अभी तक इनटेंजिबल पढ़ा नहीं, ठीक है. तो इनटेंजिबल नहीं है इस क्वेश्चन में, तो फिर इसका पॉइंट बनाने का जरूरत नहीं है. फिर सेकेंड बना लेते हैं करेंट, एसेट्स, इसमें इन्वेंट्रीज ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल ये होगा ही किसी भी बिजनेस में, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, स्टॉक, ये सब कॉमन बात है. ये सब नहीं होगा तो फिर बैलेंस शीट किस बात का बनेगा. फिर यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म, ये एक पॉइंट था हम लोगों ने पढ़ा कि डेबिट साइड में देखा ना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये अमाउंट और ये नोट नंबर. टोटल ऑफ एसेट. अब हम लोग को क्या करना है, हर चीजों का नोट्स टू अकाउंट्स बना लेना है. जैसे पहले है शेयर कैपिटल, तो यहां पर लिखेंगे नोट नंबर वन, शेयर कैपिटल. अच्छा, शेयर कैपिटल का डिटेल्स यहाँ पर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख दे रखा है, कॉल सीन एरियर, और नीचे भी एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि अदर देन कैश के लिए 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया गया है. तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर कैपिटल, सिर्फ इक्विटी है तो यहाँ पर पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल. अगर प्रेफरेंस होगा तो उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा. इक्विटी शेयर कैपिटल, अब हम लोग लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल होगा. पेड अप अगर लिखोगे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी जो हम वैल्यू लिखने वाले हैं ना, वो हम लोग का कौन सा वाला लिखेंगे, ये 50 लाख ना कितना था, ये वाला लिखेंगे. लेकिन अगर पॉलिसी नेरियर है तो इसका मतलब ये पेड अप नहीं है, इतना कॉल्ड अप था, पेड अप कुछ और है, क्योंकि पॉलिसी नेरियर बनाए तो पेड अप वैल्यू में तो चेंजेस आएगा ही, ठीक है. ये हम लोग जो जब हम लोग इशू ऑफ शेयर्स पढ़ते हैं तो वहां पर ये वाला चीज हम लोगों ने देखा है. अब यहाँ पर लिखेंगे कितना शेयर इशू हुआ था. देखो यहाँ पर 50,000 शेयर्स, ये 50,000 कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 100 फेस वैल्यू है, 100 से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा. 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है, ये कॉल्ड अप किया गया है. तो यहाँ पर लिखते 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच ऑफ द एवव. अब यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे कि 10,000 फॉर अदर देन कैश है, तो ऑफ द एवव 10,000 शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, ये अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है. यहाँ पर वैल्यू बन जाएगा 50,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50 और ये 10, मतलब ये
नहीं, दो जीरो, तो ये 50 लाख हो जाएगा, ठीक है, 50 लाख। फिर यहां से लेस कर देंगे जो कॉल्सिन एरियर का पोर्शन है, कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर है 5000, तो लेस करने से आ जाएगा 49,95,000। तो ये पहला हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि हम लोग लाइन बाई लाइन इन्फॉर्मेशन लेके ही करते हैं, तो पहला नोट्स टू अकाउंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 49,95,000 हम लोग का जो है शेयर कैपिटल आ गया, ठीक है। तो ये नोट नंबर वन, यहाँ पर नोट नंबर वन बन गया 49,95,000, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग का क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद हम लोग का इन्फॉर्मेशन है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये रिलेटेड, मतलब हम लोग पीपीई का जो है मतलब पीपीई का नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स फॉर पीपीई। तो नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, PPE का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, ये तो मैंने पहले भी बताया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता है। अच्छा, अब हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे ब्लॉक के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे ये देखो, ग्रॉस अमाउंट, डेप्रिशिएशन और नेट अमाउंट, ऐसे करके कॉलम फॉर्मेट में कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट नीचे नीचे लिख के बैलेंस करके भी कर सकते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अमाउंट है ये ग्रॉस है कि नेट, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर 27,50,000 दिया। नॉर्मली जो मतलब ये क्या है, ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हम लोग का, ये एक्चुअली बोला है पर्टिकुलर डिटेल्स दिया है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में ही दिया है। तो ट्रायल बैलेंस हम लोग को अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है, ठीक है। तो ये टैलिड है, तो ट्रायल बैलेंस मान लेते हैं इसको। तो ये जो लैंड एंड बिल्डिंग 27,50,000, ये क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मतलब अगर डिप्रिशिएशन चार्ज एसेट पे डायरेक्टली होता है, कोई प्रोविजंस अकाउंट नहीं होता है, क्योंकि प्रोविजंस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो ये हम लोग का नेट वैल्यू ही होगा। और एक तरीका है जिससे हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि ये नेट वैल्यू है, हम लोग नीचे देखते हैं, यहाँ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहां लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दे रखा है 30 लाख, ठीक है, और अभी हम लोगों ने जो देखा वो था 27,50,000, तो इसका मतलब ये ग्रॉस वैल्यू 30 लाख होगा, ठीक है, ज्यादा वैल्यू ही तो ग्रॉस होगा ना। अब इसका नेट वैल्यू है 27,50,000, अब डिप्रिशिएशन कितना लगा है माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 3 लाख होगा, 27 लाख माइनस करने से 50, मतलब 2,50,000, ठीक है, ये हम लोग का 2,50,000 हो गया डेप्रिशिएशन। अच्छा, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी का ग्रॉस वैल्यू 35 लाख, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है हम लोग का 35 लाख। तो यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू दिखा देते, ये भी ग्रॉस ही होगा, जब नीचे का सारा डेटा ग्रॉस हमें बता रहे, तो ये भी ग्रॉस होगा। कंफर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना दे रखा है, 26,25,000, तो हाँ वो ग्रॉस वैल्यू ही है, 26,25,000। अच्छा, अब चेक करके देखते हैं, 3,500 - 2,625, तो ये हो गया 875 और ये 30, मतलब 8,75,000, ये हो गया डेप्रिशिएशन। अच्छा, प्लांट मशीनरी के बाद और कौन सा पीपीई है, चेक करते हैं, फर्नीचर है 2,50,000, तो यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर। तो पहला कॉलम हम लोग का ग्रॉस वैल्यू का था, फिर डेप्रिशिएशन, फिर नेट वैल्यू, नेट वैल्यू है 2,50,000, ठीक है, नेट वैल्यू है 2,50,000, ग्रॉस वैल्यू यहां मिलेगा 3,12,500, 3,12,500 माइनस 2,50,000, तो 62,500, ये हम लोग का डेप्रिशिएशन हो गया। अब बैलेंस शीट के लिए हम लोग को कौन सा कॉलम चाहिए, मतलब क्या डेप्रिशिएशन चाहिए, ग्रॉस या नेट, ऑब्वियसली नेट अमाउंट चाहिए, क्योंकि हम लोग तो डेप्रिशिएट होने के बाद एसेट का जो वैल्यू है वही कैरिंग अमाउंट को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो कैरिंग अमाउंट बोलो या फिर बुक वैल्यू बोलो, तो यही सिर्फ टोटल करे, इसका जरूरत भी नहीं है। तो 27,50,000 प्लस 26,25 प्लस 2,50,000, 56,25,000, ये पीपीई वाला नोट्स हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये नोट्स नंबर टू, पीपी का नोट नंबर टू हो जाएगा, मतलब यहां पर नोट नंबर टू
वैल्यू है 56,25,000। अब देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। तो फर्नीचर तक हो गया, इसके बाद जनरल रिजर्व दिया है, मतलब रिजर्व सरप्लस बनाना चाहिए। नोट नंबर 3, रिजर्व सरप्लस, नोट नंबर 3, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, इसमें क्या दे रखा है वैल्यू देखते हैं। जनरल रिजर्व का दे रखा है 10,50,000, तो यहां पर लिखते हैं जनरल रिजर्व 10,50,000। अच्छा, इसके बाद लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो इसमें थोड़ा जगह रख देते हैं नोट नंबर 3 में और नोट नंबर 4 बना लेते हैं। यहाँ पर नोट नंबर 4 किस बात का बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, क्योंकि लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बोला है, तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट बनेगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग का हम लोग नोट बनाएंगे, लेकिन वहां पर जो लोन लिया गया है उसमें भी थोड़ा सा हमारा बाइफर्केशन होगा, एक सिक्योर्ड लोन है एक अनसिक्योर्ड है। ये है लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, 7,50,000, तो ये इसके नीचे इन्वेंट्री है, इसके बाद इन्वेंट्री। अच्छा, पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले लिखते हैं यहाँ पर लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 7,50,000। अच्छा, इसका इंफॉर्मेशन जब हम लोगों को नीचे मिलेगा हम लोग उसमें एडजस्ट कर देंगे। फिर बोल रहा है कि इन्वेंट्री, तो नोट नंबर 5 बनाते हैं। यहां पर इतना जगह रख दिया, लोन का काफी सारा इंफॉर्मेशन है। नोट नंबर 5, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का रॉ मेटेरियल 2,50,000, फिनिश गुड्स 10,00,000, रॉ मेटेरियल 2,50,000, फिनिश गुड्स 10,00,000। ये नोट नंबर 5 कंप्लीट हो गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों का इसके अलावा इन्वेंट्री का कोई इंफॉर्मेशन था। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा, तो यहाँ हम नोट नंबर 6 बनाते हैं। नोट नंबर 6, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के हिसाब से आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 6,40,000, इसमें भी कोई अलग इंफॉर्मेशन था नहीं, ठीक है, तो ये 6,40,000 ये यहाँ पर ही क्लोज हो जाएगा। नोट नंबर 7 किस चीज का बनेगा देखते हैं। नोट नंबर 7, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बाद है ट्रेड रिसीवेबल, तो ये डेटर का नोट बनेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसमें हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा ना, 6 मंथ्स का अलग था, मतलब कुछ डेटर ऐसे थे जो कि 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ से ज्यादा के लिए डेटर बने हुए हैं, तो ऐसे डेटर को अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर, ये दिया हुआ था, ठीक है, इसीलिए हम लिख रहे हैं ऐसे, आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड ग्रेटर देन 6 मंथ्स और अदर अमाउंट्स, ठीक है, ये टोटल करके कितना आना चाहिए, ये टोटल करके हम लोग का 10,00,000 आना चाहिए, क्योंकि टोटल डेटर मतलब ट्रेड रिसीवेबल 10,00,000 है, लेकिन हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि 6 मंथ से ज्यादा का डेटर कितना है और अदर अमाउंट्स जो है वो कितना है, ठीक है, जो 6 मंथ से कम दिन तक डेटर है, मतलब उससे पहले ही उन्होंने पे कर दिया है। नोट नंबर 8, ट्रेड रिसीवेबल के बाद कौन सा नोट बनेगा, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, इसका हेड मेनली होता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बोल के, या फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग बोल दो, ठीक है, बेटर होगा शॉर्ट टर्म बोरिंग बोल लेते हैं इसे, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, इसमें आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस।
short term loans and advances. Short term loans advances 2,13,000. ठीक है 2,13,500 लिख लेते 2,13,500 और कुछ होगा तो इसके लिए यहाँ पे जगह रख देते, वैसे भी यहाँ कुछ बन नहीं सकता है. नेक्स्ट नोट नंबर 9 बनाते हैं. नोट नंबर 9, इसके बाद नोट नंबर 9 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम लोग का जनरल रिजर्व में जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,33,500 ठीक है, तो जनरल रिजर्व में यहाँ पर मतलब रिजर्व सरप्लस में, जनरल रिजर्व बोल रहे हैं रिजर्व सरप्लस में, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,33,500. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,33,500 ये मैंने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि ट्रांसफर टू रिजर्व था. कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो इसके लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनेगा. तो नोट नंबर 9 बन जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. लेकिन इसमें भी डिटेल्स था ठीक है, कुछ शेड्यूल बैंक में कैश रखे गए, कुछ शेड्यूल बैंक नहीं है उसमें, तो इसको हमें अलग अलग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर बोला है कैश इन हैंड 1,50,000, इन हैंड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन हैंड में कुछ नहीं होगा, बैंक का अलग अलग इंफॉर्मेशन है. कैश इन हैंड 1,50,000 ये लिख लेते हैं, और कैश एट बैंक इसका दो पार्ट हो जाएगा, एक शेड्यूल बैंक के साथ जो और एक शेड्यूल बैंक के साथ नहीं है. तो जब मिलेगा इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेंगे. टोटल हमें पता है 12,35,000, तो टोटल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से. यहाँ पर अगर हम लोग इंफॉर्मेशन लिखेंगे, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 12,35,000, ये यहाँ पर हो जाएगा टोटल अमाउंट. उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा 6,05,000, लॉन्ग टर्म बोरिंग ये रहा. लॉन्ग टर्म बोरिंग में अनसिक्योर्ड लोन लिखेंगे. अच्छा इसमें अलग से लिखते हैं अनसिक्योर्ड लोन. अनसिक्योर्ड लोन का अमाउंट है 6,05,000, तो ये हो जाएगा 6,05,000. अच्छा इसके बाद ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 8,00,000 ये लिखना पड़ेगा. नोट नंबर 10, ट्रेड पेबल इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ट्रेड पेबल बोल के लिख देंगे. ट्रेड पेबल फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस, फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस, और इसका वैल्यू है 8,00,000. इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, इसको मैंने कर दिया क्लोज. अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है. लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, तो ये डेबिट है क्रेडिट साइड में, मतलब ये बोरिंग में जाएगा 2,00,000. लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा. इक्विटी ये लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट. लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, अच्छा लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज ये हम लोग का शॉर्ट टर्म बोरिंग में जाएगा. ये कुछ बोला नहीं है लेकिन रिलेटेड पार्टीज है तो हम लोग इसको शॉर्ट टर्म में दे सकते हैं ठीक है. तो यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट टर्म, ये तो प्रोविजन है शॉर्ट टर्म बोरिंग, यहाँ पर लिखेंगे लोन्स, ये रहा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है, ये है 2,13,500 ठीक है. और यहाँ पर ये कौन सा वाला था, फिर लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज पहले ये लिख लेते हैं फिर ये देखते हैं. लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज ये वैल्यू है 2,00,000, यहाँ पर लिखते हैं 2,00,000. अच्छा और ये वाला कौन सा था, 2,13,500
क्रेडिट साइड होना चाहिए, फिर 2,30,000 नहीं ये तो डेबिट साइड है, शॉर्ट टर्म एडवांसेस है ये मैंने बोरोइंग में लिख दिया, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये डेबिट साइड में, तो मैंने तो बोरोइंग में लिख दिया है इसे 2,13,500 ये हम लोग का शॉर्ट टर्म एडवांसेस जो है, मतलब लोन्स एंड एडवांसेस में जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो लोन्स एंड एडवांसेस में लिखेंगे ये वाला अमाउंट 2,13,500 कहाँ है, लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रिजर्व सरप्लस, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मैंने नोट बनाया ही नहीं, छूट गया है, पीपीई, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अच्छा ये नोट मैंने बनाया ही नहीं, ये छूट गया, अच्छा ठीक है अब इसके बाद ही बना लेते हैं, नहीं तो फिर कैसे लिखेंगे। नोट नंबर 11 ये मिडिल में आ जाता लेकिन मेरे से ये वाला पॉइंट छूट गया है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने किसी को लोन या एडवांस दिया है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये लिखते हुए मैंने शायद बोरोइंग ही लिख दिया था, लिखते लिखते यही गलत हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पर नाम भी वही है, अगर हम लोग इसका नोट नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, शॉर्ट टर्म एडवांसेस बोल के 2,13,500 शॉर्ट टर्म एडवांसेस बोल के लिखा हुआ है, 2,13,500 ठीक है, इसका नहीं भी बनाते तो भी चलता। अब इस एक एक करके सारा क्लोज करना पड़ेगा, जैसे शेयर कैपिटल ऑलरेडी क्लोज्ड है, पीपीई भी क्लोज्ड है, अच्छा अब रिजर्व सरप्लस को देख लेते, अच्छा नीचे का इन्फॉर्मेशन तो देखा नहीं, वो पुट करेंगे तब क्लोज होगा, इक्विटी शेयर लिख लिया था, ट्रेड रिसीवेबल, मैं नोट नंबर 8 তাহলে কিভাবে করো, যারা শর্ট টাইম বোরোইংটা করা আছে, হ্যাঁ ওটা করবো দাঁড়া, ওটা এখন এখানটা ঠিক করছি, এখানে কিছু ভুল লেখা আছে মনে হচ্ছে, এটা তো আসবে না, লোনস এন্ড অ্যাডভান্সেসটা এটাকে করে নিচ্ছি, এটা লোনস এন্ড অ্যাডভান্সেস ফ্রম রিলেটেড পার্টিসটা আসবে, এটা কেটে দিলাম, এটা তো এখানে আসবে না, আর বাকি এখানে দেখছি, আর যদি কিছু থাকে নিচে ইনফরমেশন তাহলে সেটা দিয়ে লিখে নিচ্ছি, ঠিক আছে, মানে শর্ট টার্ম বোরোয়িংটা যেটা এটা হবে, শর্ট টার্ম বোরোয়িং এটা শর্ট টার্ম বোরিং এ আমার তাহলে কোন অ্যামাউন্টটা আসবে, বোরিং মানে ক্রেডিট, এটা 2,00,000টা আসবে, লোনস এন্ড অ্যাডভান্সেস ফ্রম রিলেটেড পার্টিস, হ্যাঁ ঠিক আছে 2,00,000, লোনস এন্ড অ্যাডভান্সেস ফ্রম রিলেটেড পার্টিস 2,00,000 ইয়ে ওয়ালা আয়েগা, আর দেখতে ইসমে কুছ আয়েগা কি নেই, আগর কুছ ইনফরমেশন দিয়া হুয়া হ্যায়, হাম লোগো নে জো ট্রায়াল ব্যালেন্স কা ইনফরমেশন হ্যায় ও সারা এক লিখ লিয়া হ্যায়, পুট কর লিয়া হ্যায়, আব জো নিচে কা ইনফরমেশন হ্যায় না उसको लिख के पूरा फिल अप कर लेते हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल 2,60,000 बोला था, मोर देन 6 मंथ्स के लिए था, तो यहाँ पर 2,60,000 लिख लेंगे पहले, ये वाला ठीक है, ये वाला 2,60,000 जो कि मोर देन 6 मंथ्स के लिए था, और बाकी कितना हो जाएगा, बैलेंस करो 10,00,000 से 2,60,000 माइनस कर दो, पता चल जाएगा, मतलब ये डिस्क्लोज करने का तरीका ऐसे ही करना पड़ता है, तो ये कितना आएगा बैलेंस करने से 2,60,000 और 10,00,000 माइनस 2,60,000 कितना हो जाएगा 7,40,000 ठीक है, तो ये क्लोज हो गया, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल का इंफॉर्मेशन मिला, ये मैंने क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एसेट ये हम लोग ले चुके, यूज कर चुके, अब देखो यहाँ पर दे रहा है द बैलेंस ऑफ 7,50,000 लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये हम लोगों ने लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिखा होगा, पहले हम लॉन्ग टर्म बोरिंग निकाल लेते हैं, ये देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग में जो 7,50,000 का लोन है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ इज इंक्लूसिव ऑफ 37,500 फॉर इंटरेस्ट accrued बट नॉट ड्यू, ठीक है, तो इंटरेस्ट accrued बट नॉट ड्यू बोला है, मतलब ये लोन का अमाउंट जो है ये इंटरेस्ट को मिला के दिखा रहा है, तो अगर हमें सिर्फ लोन का अमाउंट लिखना है, बोरोइंग में तो हमें सिर्फ लोन का अमाउंट लिखना है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे इंटरेस्ट accrued बट नॉट ड्यू, ये लेस करने से हम लोग को एग्जैक्ट लोन का अमाउंट पता चल जाएगा 37,500, ये लेस कर दो कितना आ रहा है वो हम लोग आउटर कॉलम में पहले लिख लेते हैं 7,50,000 माइनस 37,500, तो ये हो गया हम लोग का 7,12,500
500, ये क्या निकल के आया, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया गया लोन। ये 7,50,000 लोन अमाउंट सिर्फ नहीं है, क्योंकि इसमें बोल दिया यहाँ इंक्लूसिव इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को हटाने से हमें एग्जैक्ट लोन अमाउंट पता चलेगा। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब ओनली लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये सिक्योर्ड लोन है। ये कैसे पता चलेगा, ये देखो नीचे इंफॉर्मेशन है उससे पता चलेगा ये सिक्योर्ड लोन है। यहाँ पर द लोन इज मतलब ये वाला लोन 7,50,000 वाला इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब ये सिक्योर्ड लोन है। और कैसे सिक्योर्ड है, क्योंकि ये हाइपोथिकेटेड है बाय प्लांट एंड मशीनरी, तो इसका नीचे लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा हम लोग को सिक्योर्ड बाय या फिर हाइपोथिकेटेड बाय, सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये डिस्क्लोज कर दिया, अब अनसिक्योर्ड लोन भी लिख लिया, और कुछ था नहीं। अब इसका टोटल करेंगे तो ये हो गया 507,113, तो ये हो गया 13,17,500, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग बन गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते कौन सा इंफॉर्मेशन है। बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 10,000 विद ओमेगा बैंक लिमिटेड, तो ये बैंक बैलेंस जो हम लोगों ने लिखा था ना, ये देखो बैंक बैलेंस में ओमेगा लिमिटेड बोल के कोई बैंक है, उसके साथ बैंक बैलेंस है कितना हम लोग का, ये 10,000, ठीक है। यहाँ पर देख लेते एक बार, 10,000 और which is not scheduled bank, तो Omega Limited scheduled bank नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे cash at bank, इसको थोड़ा सा और भी ऊपर लिखते हैं, हो जाएगा cash in hand 1,50,000, ठीक है। तुम लोग मत हटाओ, मेरा जगह कम हो रहा है इसलिए हम हटा रहे हैं। cash in hand ये है 1,50,000, इसमें तो कोई changes नहीं होगा। और यहाँ लिखते हैं cash at bank, इसमें दो टाइप का है कैश एट बैंक, एक है शेड्यूल बैंक और दूसरा हो जाएगा अदर। अदर मतलब जो शेड्यूल्ड बैंक में नहीं आता है, अदर बैंक, और नाम है यहां पर ओमेगा, ओमेगा बैंक लिमिटेड। इनके साथ जो बैलेंस है वो अमाउंट है 10,000, ठीक है। इनके साथ जो बैलेंस है वो अमाउंट है 10,000 बैंक बैलेंस का, तो बाकी अमाउंट बैंक बैलेंस का कितना हो जाएगा, ये माइनस करने से आ जाएगा 10,000। अगर हम लोग माइनस कर देंगे 12,35,000 है, ये 12,25,000 आ जाएगा। ये बैलेंस करके आ गया कि कैश एट बैंक ये शेड्यूल बैंक के साथ कितना होगा, क्योंकि अदर बैंक मतलब जो शेड्यूल नहीं है, तो बाकी शेड्यूल बैंक के साथ 12 है। अब शेड्यूल बैंक ही हो रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि बोला है 10,000 ओमेगा बैंक लिमिटेड विच इज नॉट शेड्यूल, तो बाकी शेड्यूल के साथ होगा, तो ये हो गया। अब ये टोटल इतना हो जाएगा 12,35,000 प्लस 1,50,000, तो 13,85,000, ये भी हम लोग का क्लोज हो गया। अच्छा, इसके बाद ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व, तो रिजर्व सरप्लस में हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व में 20,000 इस बार ट्रांसफर होगा करेंट ईयर में, तो जनरल रिजर्व में करेंट ईयर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जनरल रिजर्व को थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, 10,50,000 जनरल रिजर्व अब ऐड करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम करेंट ईयर पीएल, करेंट ईयर के पीएल से ट्रांसफर होता है, उसका अमाउंट बताया 20,000, मतलब जनरल रिजर्व का वैल्यू 10,50,000 प्लस 20, ये बन रहा है 10,70,000, ठीक है। और करेंट ईयर का पीएल है 4,33,500, ठीक है। अब यहां से लेस कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व में जो अमाउंट जाता है वो प्रॉफिट से ही लिया जाता है, तो कितना यहां से ट्रांसफर हुआ है 20,000, तो पीएल का जो बैलेंस है वो 4,33,000 माइनस 20,000 यानी 4,13,500 बन चुका है। अब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 14,83,500। देखो अगर हम लोग ये माइनस ऐसे नहीं करते, दोनों का ऐड करते थे, तो भी बात आंसर एक ही जैसा आएगा, क्योंकि यहाँ जितना नेगेटिव हो रहा है उतना पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि रिजर्व में ट्रांसफर का मतलब प्रॉफिट से लेके रिजर्व में ट्रांसफर, तो जनरल रिजर्व बढ़ेगा, प्रॉफिट उतने से कम होगा जितना ट्रांसफर हुआ, तो 20,000 लेस, क्योंकि यहां से ट्रांसफर होकर यहाँ पर एड बैक हो रहा है, तो ये हम लोग
टोटल कर दिए 14,83,500। अच्छा अब ये डायरेक्टर वाला पॉइंट तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो मुझे लगता है हमारा सारा अकाउंट जो है क्लोज हो गया है। अब हम लोग एक एक करके पुट कर लेते हैं। अच्छा इसके बाद रिजर्व सरप्लस, तो रिजर्व सरप्लस का अमाउंट आया 14,83,500, नोट नंबर 3। ये हो जाएगा 14,83,500। अच्छा अब इसके बाद देखते थर्ड के बाद कौन सा नंबर है, फोर्थ नंबर लॉन्ग टर्म बोरिंग 13,17,500, लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 4। ठीक है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और ये वैल्यू हो जाएगा 13,17,500 लॉन्ग टर्म बोरिंग 13,17,500 चेक करते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा फिफ्थ नंबर पे जाएगा इन्वेंट्री, मतलब 12,50,000 फिफ्थ नंबर पे ये वाला आ जाएगा, फिफ्थ नंबर पे इन्वेंट्री 12,50,000। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ नंबर पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन 6,40,000 सिक्स्थ नंबर पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा ये वैल्यू है हम लोग का 6,40,000। अच्छा इसके बाद सेवेंथ नंबर पे है ट्रेड रिसीवेबल 10,00,000, एट्थ नंबर पे शॉर्ट टर्म बोरिंग 2,00,000, ट्रेड रिसीवेबल सेवेंथ नंबर पे 10,00,000 और एट नंबर पे शॉर्ट टर्म बोरिंग था शायद, एट नंबर देख लेते एक बार फिर से, शॉर्ट टर्म बोरिंग 2,00,000। अच्छा शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है ये हम लोग का आ रहा है, एक मिनट, हाँ 2,00,000 इसमें एक एडजस्टमेंट होगा, ये बाकी हम लोग का क्या एडजस्टमेंट होगा, यहां पर देखो हम लोग का जो इंटरेस्ट अमाउंट था ये देखो 37,500 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये कौन सा वाला, द बैलेंस ऑफ 7,15,000 द लोन अकाउंट विद द स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि हम लोग का कैसा लोन था, जो कि हम लोग का सिक्योर्ड लोन था, ठीक है ये वाला हाइपोथिकेटेड किया हुआ था प्लांट मशीनरी, बट इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड था, वो इंटरेस्ट जो कंपनी को पे करना था बट कंपनी का अभी तक एक्रू हुआ है बट ड्यू नहीं हुआ है, तो ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये अदर करेंट लाइबिलिटी में दिखा सकते हैं। ठीक है अदर करेंट लाइबिलिटी बोल के हम लोग ये दिखा देंगे कि इसके लिए एक पॉइंट करना चाहिए था अदर करेंट लाइबिलिटी, एक काम करते हैं हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है अदर करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी में अदर करेंट लाइबिलिटी, तो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ये अमाउंट आ जाएगा 37,500। इसका अगर चाहो तो अलग से एक नोट बना सकते हो अदर करेंट लाइबिलिटी बोल के 37,500 यहां पर बना लो 37,500, नोट नंबर 12 कर देते, नोट नंबर 12 अदर करेंट लाइबिलिटी इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू 37,500 इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है बट अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, तो ये हम लोग का इतना तक का लाइबिलिटी है 37,500, ये हम लोग का लास्ट नोट बन गया, नोट नंबर शायद कितना लगा है मैंने, नोट नंबर 12 यहाँ पर लिख देते हैं, नोट नंबर 12। अच्छा इसके बाद हम लोगों ने कहाँ तक लिखा था, इसमें हम लोगों ने शॉर्ट टर्म बोरिंग ये वाला लिख लिया नोट नंबर 8, नहीं ये नहीं लिखा शायद, हाँ लिख लिया, वैल्यू नहीं लिखा, शॉर्ट टर्म बोरिंग नोट नंबर 8 2,00,000, शॉर्ट टर्म बोरिंग नोट नंबर 8 2,00,000। अच्छा इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 9 13,85,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 9 13,85,000,
1000. अच्छा अब नोट नंबर 10 कौन सा है? नोट नंबर 10 है ट्रेड पेबल 8 लाख. नोट नंबर 10 है ट्रेड पेबल 8 लाख. अच्छा नोट नंबर 10 ट्रेड पेबल 8 लाख. नोट नंबर 10 है ट्रेड पेबल 8 लाख. अच्छा इसके बाद नोट नंबर 11 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 2,13,500. नोट नंबर 11 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 2,13,500. इतना ही था शायद 2,13,500. अच्छा अब करेंट लाइबिलिटी ये लिख लिया मैंने. अदर करेंट लाइबिलिटी तो सारा चीजें लिख लिया है. अब हम लोग को बस टोटल है बोलो कत 94,73,500 दूधी की आसछे. हां एटा ही होगा. दोनों साइड ये वैल्यू आ रहा है. दोनों साइड ही यही वाला आंसर ठीक है. दोनों साइड आ रहा है कि नहीं एक बार देख लो. दूधी की आसछे तो 94,73,500. एसेट लाइबिलिटी दोनों साइड ही आना चाहिए. देख लो आ जाएगा. अच्छा ठीक है तब हम और नहीं कर रहे. हो गया है फिर. अच्छा अब नेक्स्ट वाला नेक्स्ट देखो. ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4. अब 5 रिंग लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच. 10 लाख नॉमिनल कैपिटल है ठीक है. और इसका वैल्यू है 100 करके शेयर का. एक एक शेयर का ट्रायल बैलेंस दे रखा है. बिल्डिंग मशीन क्लोजिंग स्टॉक लूज टूल्स परचेज फिनिश गुड्स सैलरीज ये. अच्छा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो है. नीचे देखते क्या प्रिपेयर करने बोला है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. हम लोग को बैलेंस शीट एज वेल एज पीएल दोनों ही बनाना है ठीक है. तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते फिर एक एक चीज पढ़ के उसमें लिखते जाएंगे ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लेकिन दो चीज बनेगा सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बनेगा. तो पहले यहाँ पर लिखते हैं रिंग लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002. इसमें भी फॉर्मेट जो मैंने सिखा है वो तुम लोग खुद से बनाओ. सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है. तो याद हो जाना चाहिए. देखो अब तक अगर याद नहीं होगा तो प्रॉब्लम है. फिर देखो याद तो करना पड़ेगा. यहाँ पर लिखेंगे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. फिर इसके बाद आता है अदर इनकम. अच्छा ये बन जाएगा हम लोग का ये दोनों का टोटल टोटल इनकम. फिर लिखते हैं सीपीसी ईएफडीओ ठीक है. सीपीसी ईएफडीओ ईएफडीओ सी का मतलब हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. परचेज ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. क्योंकि हम लोग परचेज दो ही चीज कर सकते हैं या तो हम लोग का स्टॉक या फिर रॉ मेटेरियल ठीक है. तो अगर हम लोग फिनिश गुड्स बना बनाया परचेज करते हैं वो स्टॉक इन ट्रेड होता है और जो रॉ मेटेरियल परचेज करते हैं वो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड में आ जाता है. तो यहाँ पर नहीं आता है. यहाँ पर हो जाएगा चेंजेस इन डब्ल्यू आई पी स्टॉक इन ट्रेड एंड फिनिश्ड गुड्स. चेंज इन डब्ल्यू आई पी स्टॉक इन ट्रेड फिनिश गुड्स. ई फॉर होता है इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस.
F for finance charge. D for depreciation and amortization. और O हो गया other expenses. ये सब total करने से total expenses. Total expenses. और ये दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करने से प्रॉफिट बिफोर टैक्स. और टैक्स अगर होगा क्वेश्चन में तो टैक्स लेस कर देंगे तो आ जाएगा पैट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है, ये एक फॉर्मेट. अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे. अच्छा, बैलेंस शीट में जैसे अभी बनाया था सेम उसी तरह से. मैं आगे बस चेक टू देखा. बैलेंस शीट ऑफ रिंग लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2002. अब याद करके बनाओ तुम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट. अभी अभी तो करवाया, ठीक है, खुद से नहीं लिखने से ना याद नहीं होगा फिर. पहले पर्टिकुलर्स, नोट अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर, नहीं पहले शेयर होल्डर फंड फिर शेयर कैपिटल. शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस. नॉर्मली यही दो पॉइंट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी. नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसमें क्या क्या आना चाहिए? नॉर्मली लॉन्ग टर्म बोरिंग आएगा, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग अभी तो पूरा मैंने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ेंगे तो देख लेंगे. लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉर्मली होता है, नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म करेंट नॉन करेंट लाइबिलिटी का कोई जगह ही नहीं होगा. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग होगा, और भी कुछ होगा तो वो लिखना पड़ेगा. नॉर्मली क्वेश्चन में यही सब इंफॉर्मेशन रहता है. अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी लिख लेते हैं, अगर कुछ होगा तो थोड़ा सा जगह रख देते हैं. करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी में क्या आता है? ट्रेड पेबल आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग वगैरह आता है. अभी पढ़ा तो नहीं है मैंने क्या है, बट ट्रेड पेबल तो पक्का है कि होगा ही होगा क्वेश्चन में, क्रेडिटर तो होगा ही. अच्छा, और अगर कुछ होगा तो थोड़ा जगह रख देते हैं. मुझे पता नहीं है क्या है क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैंने थोड़ा जगह रख दिया. अब हम लोग एसेट बना लेते हैं. एसेट में सबसे पहले आता है नॉन करेंट एसेट. नॉन करेंट एसेट, इसमें आता है पीपीई, इंटेंजिबल एसेट. पीपीई ये रहेगा, इंटेंजिबल एसेट है कि नहीं नहीं पता, और अगर कुछ और भी होगा तो थोड़ा जगह रख दिया मैंने. यहाँ पर करेंट एसेट बना लेते हैं. करेंट एसेट में क्या क्या आ जाएगा? एक तो इन्वेंट्रीज होगा, इन्वेंट्रीज रहेगा, ट्रेड रिसीवेबल ये रहेगा ही रहेगा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. बाकी और कुछ है तो हो सकता है ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है क्वेश्चन. ट्रेड रिसीवेबल्स और यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये लिख लेते हैं. और कुछ होगा तो मुझे जगह रखना चाहिए क्योंकि इसके बाद यहाँ तो जगह नहीं है. ठीक है, तो पीछे हम थोड़ा सा जगह रख देते हैं. इक्विवेलेंट ये हो गया, और कुछ होगा तो यहाँ पर हम लोग को जगह चाहिए होगा. तो एक काम करते, इतना जगह रख के यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट.
तो हो जाएगा हम लोग का। अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन रहेगा हम लोग उस हिसाब से वर्किंग नोट बनाते। पहले हम ये वाला साइड लेते हैं, बिल्डिंग मशीनरी ये सब दिया हुआ है, तो सबसे पहला नोट बना लेते हैं पीपीई का, ठीक है। तो पीपीई का नोट बना लेते हैं, तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स कॉलम बना लेंगे पीपीई में, पर्टिकुलर्स और ग्रॉस ग्रॉस अमाउंट, डेप्रिसिएशन और नेट। अच्छा यहाँ पर देखो बिल्डिंग 5,80,000, तो यहाँ पर लिखते हैं बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन बोला है कि नहीं ये तब पता चलेगा, ग्रॉस वैल्यू है कि क्या है, एक बार देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ 16,000 ऑन बिल्डिंग, हाँ बताया था, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते डेप्रिसिएशन 16,000 ऑन बिल्डिंग एंड 24,000 ऑन मशीन, तो यहाँ पर लिख लेते 24,000, ये बन गया मशीन। एक बार जस्ट मैंने देख लिया कि ये ग्रॉस वाला है कि नहीं है। अच्छा अब वैल्यूज लिखते हैं, बिल्डिंग है 5,80,000। अच्छा अब ये इसका मतलब नेट अमाउंट होगा बिल्डिंग का, ये नेट अमाउंट होगा 5,80,000 या फिर इस पे डेप्रिसिएशन, एक सेकेंड एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर बिल्डिंग और इधर कोई प्रोविजन वगैरह तो नहीं है। हाँ ये देखो प्रोविजन है 1,01,010, ठीक है। अभी हम ग्रॉस ब्लॉक में ही इसका अमाउंट जो है लिख देते हैं, ठीक है। 5,80,000 क्यों लिखा मैंने, देखो ये क्वेश्चन एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बिल्डिंग मशीन क्लोजिंग स्टॉक लूज टूल्स परचेस्ड ऑफ फिनिश गुड्स सैलरी डायरेक्टर फीस रेंट डेप्रिसिएशन बैड डेट इन्वेस्टमेंट ये सब बोल रहा है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट डिवेंचर इंटरेस्ट एडवांस टैक्स डेटर और बैंक, ठीक है। और इधर थोड़ा सा पॉइंट जो है दिमाग में रह जाएगा, सेल्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, पीएल का ओपनिंग बैलेंस है 1,42,001, क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब एसेट कॉस्ट वैल्यू में दिख रहा होगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखो तुम लोग कैश फ्लो में भी ये वाला चीज कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, एसेट हमेशा अपने कॉस्ट वैल्यू में दिख रहा है, तो ये 1,00,000 जो है ये अभी तक का बिल्डिंग में टोटल चार्ज किया गया डेप्रिसिएशन का वैल्यू है, तो 1,00,000 जो है ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू है, तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर 16,000 लिखने से नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा 1,00,000, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 1,00,000, 16,000 का क्या कैलकुलेशन होगा वो भी बताते हैं। बिल्डिंग यहाँ पर 5,80,000 मतलब ये मेरा ग्रॉस है अमाउंट है, ठीक है। तो नेट अमाउंट मेरा कितना होना चाहिए 4,80,000। अभी तक देखते हैं मशीन पे 1,10,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, ठीक है, और मशीन का जो ग्रॉस वैल्यू है वो है 2,00,000, तो 2,00,000 से 1,10,000 लेस हो जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 90,000, ठीक है। अच्छा और मुझे नहीं लगता है पीपी का कोई इंफॉर्मेशन था, तो ये टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 5,70,000। अब पीपी तो मेरा वर्किंग नोट 1 बन चुका है। चलो अब क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000, ये हम लोग बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में क्लोजिंग स्टॉक। अब ये कैसा क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर बताया है, देखो क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। अब ये मेरा कैसा क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक मेरा WIP भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा फिनिश गुड्स भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा रॉ मेटेरियल का भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दिया एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्डिंग मशीन क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ 1,80,000 बोला है, अब बोल रहा है परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये लोग फिनिश गुड्स परचेज करते हैं, रॉ मेटेरियल का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ही होगा 1,80,000। तो फिर ये इन्वेंट्रीज मतलब बैलेंस शीट में भी आएगा, और जब हम लोग अपना चेंजेस इन स्टॉक निकालेंगे तो भी यूज होगा। तो पहले यहाँ बैलेंस शीट के लिए मैंने बनाया है हेडिंग इन्वेंट्रीज बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स कैसे पता चला, क्योंकि ये परचेज ही फिनिश गुड्स करते हैं, तो रॉ मेटेरियल तो नहीं करते, फिर रॉ मेटेरियल नहीं करते हैं तो ना तो रॉ मेटेरियल का स्टॉक होगा ना तो WIP, जब रॉ मेटेरियल ही नहीं है तो WIP कहां से आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक अब क्या होना चाहिए, फिनिश गुड्स होना चाहिए, और इसका वैल्यू है 1,80,000, ठीक है 1,80,000। अच्छा इसके बाद बोला है लूज टूल्स, लूज टूल्स 46,000, तो लूज टूल्स भी ना हम लोग का इन्वेंट्रीज में आता है, ठीक है, जो छोटा मोटा पार्ट्स होता है मशीन रिलेटेड। अब इस पे कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं कि डेप्रिसिएशन वगैरह देखते हैं, वो वैसे भी करेंट एसेट होता है तो उस पे डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है, तो लूज टूल्स का जो वैल्यू है वो हम लोग के जो है करेंट एसेट में जाता है, तो करेंट एसेट में इन्वेंट्रीज में दे सकते, ये भी स्टॉक के तरह हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं लूज टूल्स,
46,000, तो ये टोटल हो जाएगा 2,26,000, ठीक है। ये हम लोग का लूज टूल्स हो गया, इन्वेंट्रीज बन गया। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है परचेज फिनिश गुड्स बोला है 4,20,000, तो ये नोट नंबर 3 बना लेते हैं। ये वर्किंग नोट लिख दिया मैंने, ये ना नोट होगा, वर्किंग नोट नहीं है, ये फाइनल आंसर है। नोट नंबर 1, 2 और यहाँ पर 3, अच्छा इसके नीचे ही हो जाएगा, नोट नंबर 3, ये नोट लिखो, वर्किंग नोट नहीं लिखना है हमने, वर्किंग नोट नहीं है ये, तो पार्ट ऑफ आंसर है, नोट नंबर 3। अब क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स बोला है, तो ये किस चीज का पार्ट होता है, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग का कहां पर जाएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में जाएगा, तो इसके लिए बनाएंगे, इसका हेडिंग हो जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये हो जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, इसमें लिखेंगे परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स 4,20,000, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, फिर उसके बाद बोला है सैलरी, सैलरी ये जो है ये हम लोग का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा, इसमें जगह रख दिया मैंने, अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो यहीं पर क्लोज कर देंगे। फिर नोट नंबर 4, तो इसमें हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, क्योंकि पॉइंट वही वाला आया है, देखो क्या आया है, सैलरी, सैलरी रिलेटेड विद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरी 1,20,000, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर वाला यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो हमारे इम्प्लॉयज नहीं होते, ठीक है, तो डायरेक्टर वाला जो है वो हम लोग का अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, डायरेक्टर का जो फीस है वो हम लोग अदर एक्सपेंस, तो हम लोग एक काम करते हैं अदर एक्सपेंसेस का हेड बना लेते हैं, नोट नंबर 5। यहाँ अगर कुछ होगा तो लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अदर एक्सपेंसेस। यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहला मुझे मिला डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस 20,000। अच्छा, इसके बाद रेंट, ये भी अदर एक्सपेंसेस में आएगा, 52,000। अच्छा, रेंट के बाद है डेप्रिसिएशन, अब ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन वाला डेप्रिसिएशन है 40,000, मतलब करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या है, और अभी हम लोगों ने जो प्रोविजन वाला देखा था वो हमें क्या बताया जा रहा था, उसमें हमें ये बताया जा रहा था कि टोटल कितना अमाउंट ऑफ अभी तक बिल्डिंग और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, तो ये तो सिर्फ इस साल का नहीं है कि इसको लिख दे, इस साल का कितना है 40,000 है, तो इसके बाद नोट नंबर 5 अदर एक्सपेंसेस थोड़ा ज्यादा अमाउंट होता है, तो अदर एक्सपेंसेस के लिए हम जगह रख देते हैं, पता नहीं और क्या क्या खर्चा यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का। उसके बाद यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के लिए नोट बना लेते हैं, तो लगभग इतना जगह रख दिया मैंने, नोट नंबर 6 डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ये इस हेड में आता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन हेड में क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 40,000। अच्छा, इसके बाद दिखा मुझे बैड डेप्ट, बैड डेप्ट कहां पर आएगा, अदर एक्सपेंसेस में आएगा, हम इसके ऊपर लिखते, पता नहीं जगह अगर नहीं हो तो बैड डेप्ट इसके ऊपर लिख दिया, तुम लोग नीचे नीचे लिखो जगह है तो, बैड डेप्ट 12,000, यहाँ पर मैंने बैड डेप्ट 12,000 लिख दिया। अच्छा, इसके बाद बोला है इन्वेस्टमेंट 2,40,000, अब इन्वेस्टमेंट हम लोग का करेंट भी हो सकता है, नॉन करेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो कुछ नहीं बोला है, तो देखो हम लोग करेंट भी ले सकते हैं, नॉन करेंट भी ले सकते हैं, तो इसको हम नॉन करेंट ही ले लेते हैं, जब कुछ नहीं बोलेगा हम लोग लॉन्ग टर्म ही मानेंगे, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो नोट नंबर 7 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यहां पर 2,40,000, इन्वेस्टमेंट कितने का है 2,40,000, ये वाला हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है, तो ये हम लोग का करंट एसेट का पार्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट,
ये अदर करेंट एसेट बोल के जाएगा। जैसे इंटरेस्ट जो इसके पहले एक्रूड हुआ था वो हम लोग का लाइबिलिटी था, लोन का इंटरेस्ट था, ये इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, तो ये अदर करेंट एसेट में जाएगा। जैसे वो अदर करेंट लाइबिलिटी में गया था तो ये हो जाएगा अदर करेंट एसेट। ठीक है, यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, बेसिकली रिसीवेबल, तो रिसीवेबल तो एसेट ही होता है। और इसका अमाउंट है हम लोगों का 4000। ठीक है, अभी क्लोज नहीं किया, अगर कुछ होगा तो एक एक लाइन रखा हुआ है वहां पर लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग का है डिवेंचर इंटरेस्ट, तो ये फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होगा, ये नोट नंबर 9, फाइनेंस कॉस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट 56,000 डिवेंचर इंटरेस्ट, ये हम लोग का फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एडवांस टैक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का शॉर्ट टर्म एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस में आना चाहिए, तो नोट नंबर 10, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाएगा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। अच्छा, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कितना है, 1,20,000। अच्छा, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिखा मुझे इसके बाद, ये हम लोग का अदर एक्सपेंसेस में आएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस हो जाएगा 36,000। अच्छा, इसके बाद डेटर है तो ये ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा, नोट नंबर 11, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें है डेटर, ट्रेड रिसीवेबल डेटर 2,50,000। कुछ जरूरत होगा तो इसके लिए जगह रखते हैं एक लाइन। फिर नोट नंबर 12, इसके बाद क्या बोल रहा है, बैंक, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, इसमें आ जाएगा बैंक, बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस है 60,000। अच्छा, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इधर से इंफॉर्मेशन, सेल्स, सेल्स जो है ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, तो नोट नंबर 13, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल, सेल है 10,40,000। मुझे तो अभी कुछ रिटर्न विटर्न नहीं दिख रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये करेंट लाइबिलिटी में अदर करेंट लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहां पर बनाते हैं नोट नंबर 14, अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये है हम लोग का क्रिएट किया गया है प्रीवियस ईयर का, पीबीडीडी जो है ये प्रीवियस ईयर का क्रिएटेड है, ये हम लोग का कहां पर जाता है, ये पीएल में एडजस्ट होता है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हम लोग का अदर एक्सपेंसेस है वहां पर दिखाते हैं। इस बार कितना क्रिएट करने बोला है उससे हमारा प्रीवियस ईयर वाला लेस हो जाता है। ठीक है, मतलब पहले हमारा कितना प्रोविजन क्रिएट किया गया था उससे हमें लेस करना पड़ेगा, करेंट ईयर का इस बार का पीएल में चार्ज होगा। तो यहाँ पर पॉइंट हम एक बार लिख लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है इसका कितना, 6,000, इसका ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग, ये है 6,000, करेंट ईयर का जितना बोलेगा हम समझा देंगे, पॉइंट आने दो। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर हो गया 4,00,000, तो ये लिख लेते हैं शेयर कैपिटल, नोट नंबर 15,
share capital. Equity share capital shortcut में लिख दिया मैंने. Equity share capital 4 lakh. और कुछ information अगर होगा नीचे तो देखना पड़ेगा. General reserve, ये हमारा रिजर्व सरप्लस में जाएगा. तो नोट नंबर 16, रिजर्व एंड सरप्लस. जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है 80,000. अब कुछ ट्रांसफर है तो हो सकता है, अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे. या एटलीस्ट पीएल 50,000 ओपनिंग, ओपनिंग पीएल मतलब प्रीवियस ईयर का. तो फिर करंट ईयर का तो निकलेगा हम लोग का, जो हम लोग पीएल बना रहे उससे. तो इसको हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं, इस वजह से जो करंट ईयर का आएगा चाहे प्रॉफिट आए या लॉस आए वो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा. क्रेडिटर 1,84,000. तो यहाँ पर नोट नंबर 17, ट्रेड पेबल क्रेडिटर, क्रेडिटर 1,84,000. अच्छा, इसके बाद है प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन यूज हो चुका है. 14% डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, 14% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा. नोट नंबर 18, लॉन्ग टर्म बोरिंग 14% डिवेंचर. अच्छा, 14% डिवेंचर ये हम लोग का हो जाएगा 4 lakh. अच्छा, अब डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 4 lakh पे 14%? चेक करते हैं, 14 × 4 तो ये होना चाहिए 56,000. और डिवेंचर का इंटरेस्ट बोल रहा है 28,000. इसका मतलब ये देखो, यहाँ 56,000 दिखा रहा था और यहाँ दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 28,000. Accrued but not due, ठीक है. तो ये बता रहा है, ये देखो इधर डिवेंचर इंटरेस्ट पहले ये देख लेते हैं, 56,000 होना चाहिए, 56,000 ही दिखाया है तो इसका मतलब फुल्ली पेड है. बाकी रहा ये 28,000 वाला कंसेप्ट, ये हमें क्या करना पड़ेगा. यहाँ पर बोला है कि डिवेंचर का इंटरेस्ट जो है वो हम लोग का accrued है बट नॉट ड्यू, ठीक है. तो इसका मतलब ये हम लोगों ने पे नहीं किया होगा अभी तक, तो ये accrued हो गया इस साल. जो 56,000 था वो तो हो गया है पेमेंट, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा है, लेकिन जो accrued हुआ है वो अदर करेंट लाइबिलिटी में जाना चाहिए 28,000, ठीक है. तो अदर करेंट लाइबिलिटी का नोट कहीं तो बनाया था मैंने, अदर करेंट लाइबिलिटी ये रहा, यहाँ पर लिखेंगे अदर करेंट लाइबिलिटी में लिखेंगे इंटरेस्ट accrued ऑन, ये ऊपर लिखते हैं इंटरेस्ट accrued ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट accrued ऑन डिवेंचर बट नॉट ड्यू 28,000, बट नॉट ड्यू. अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000. अच्छा, इंटरेस्ट accrued हुआ था 4,000, ये हम लोग का इंटरेस्ट accrued ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग का करंट एसेट था क्योंकि हमें मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला. और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हम लोग को 24,000 मिल गया है, ये हम लोग का क्या होना चाहिए, ये हम लोग का अदर इनकम में आना चाहिए. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000 ये हम लोग का अदर इनकम में आना चाहिए. इन्वेस्टमेंट से इनकम तो अदर इनकम हो जाएगा. तो यहाँ पर लिखते हैं नोट नंबर 19, नोट नंबर 19 अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पीएल में बाय इंटरेस्ट बोल के लिखते हो वही वाला चीज. तो ये इन्वेस्टमेंट से अर्न किया गया इंटरेस्ट है 24,000. अब फिर और एक पॉइंट है, देखो अनक्लेम्ड डिविडेंड, मतलब डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया है बट अनक्लेम्ड मतलब क्लेम नहीं हुआ है, मतलब डिक्लेयर तो हो गया है बट अभी तक लोगों ने क्लेम नहीं किया है, मतलब हम लोग का लाइबिलिटी है, पे करना पड़ेगा. डिक्लेयर तो हो चुका है 10,000, तो अदर करेंट लाइबिलिटी में आएगा. तो अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड हो जाएगा 10,000. अच्छा,
अब बाकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक से 1,60,000 ज्यादा है, ठीक है। तो इन्वेंट्री का हम लोगों ने एक अकाउंट बनाया था यहाँ पर, जो हम लोग इन्वेंट्री में लिखने के लिए किए थे, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। हम लोग ये वाला कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर देखो, ये जो है चेंजेस इन स्टॉक हम लोग कैसे निकालते हैं, चेंजेस इन डब्ल्यू आई पी, एस आई टी एंड फिनिश गुड्स। तो यहाँ पर जो है हम लोग का एस आई टी होगा, मतलब एस आई टी मतलब फिनिश गुड्स हो जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड रॉ मेटेरियल वाला, तो रॉ मेटेरियल वाला तो यहाँ आ जाता है, डब्ल्यू आई पी है नहीं, तो फिनिश गुड्स का ही निकलेगा। और बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 1,60,000 ज्यादा है। अब देखो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय, ओपनिंग स्टॉक जितना भी होगा उससे 1,60,000 ऐड करेंगे तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन 1,60,000 बाय ओपनिंग स्टॉक। अब हम लोग देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000, इसका मतलब यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000, ये रहा, ठीक है। तो ये है 1,60,000, तो क्लोजिंग स्टॉक इज ये 1,80,000 है, तो फिर ये तो लेस करेंगे तो कम हो जाएगा, ये क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ऐसा हो रहा है ना, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है वो है 1,60,000। अच्छा अब क्लोजिंग स्टॉक बोला है 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, 1,60,000 इधर है तो ओपनिंग, हाँ बोलो, 20,000 होगा। अब ये वाला कैलकुलेशन एक बार कर लो तुम लोग, 20,000 होगा। अब हम लोग इसको चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में लिखेंगे, कहाँ गया, ये रहा, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में इसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, तो ये रहा 20,000 माइनस 1,80,000, हम यहाँ पर कर दिए और वर्किंग नोट नहीं बना रहे, बहुत सारा वर्किंग नोट ऐसे ही बन चुका है, 1,60,000 नेगेटिव होगा, ठीक है। ये नेगेटिव में इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग का ये एक्सपेंसेस है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को एक्सपेंस में लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखना पड़ेगा ना, तो नेगेटिव में लिखा जाता है, तो हमेशा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया, तुम लोग एक नोट बना के इसका कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। हम दिखाई देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नोट फिर याद नहीं रहेगा, नोट नंबर 20, ठीक है। तो चेंजेस इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन, अच्छा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यहाँ पर बनेगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल टू 1,60,000, 1,80,000 माइनस ओपनिंग इक्वल टू 1,60,000, ओपनिंग इक्वल टू 20, ठीक है। तो चेंजेस इन स्टॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये नेगेटिव में 1,60,000 आ जाएगा, ठीक है, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। अच्छा फिर क्या इंफॉर्मेशन था, मेक ए प्रोविजन प्रोवाइड टू डाउटफुल डेप्ट 4% ऑन डेटर, डेटर पे 4% डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करना है। तो डेटर मतलब मेरा ट्रेड रिसीवेबल, वहां पर 4% क्रिएट करना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल, तो यहां से लेस करेंगे 4% पीबीडीटी। अब बताओ 4% कितना हो जाएगा, 2,50,000 का 4% हम लोग का कितना हो जाएगा, 2,50,000 का 4% 10,000 होगा, ठीक है, 10,000 तो लेस करके 2,40,000। अब इसका जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है वो दो बार पुट होता है तभी तो फाइनल अकाउंट्स बनेगा। तो ये कहां पर जाएगा, पीएल में भी जाएगा, प्रोविजन कहां से क्रिएट करेंगे, पीएल से, पीएल से कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 10,000 इस बार के हिसाब से, लेकिन हम लोग के पास पहले से 6,000 अवेलेबल है, तो करेंट ईयर का हमें प्रोविजन का नीड है 10,000, लेकिन अगर मेरे पास पहले से ही प्रोविजन में 6,000 का बैलेंस है तो इस बार मुझे कितना क्रिएट करना पड़ेगा, माइनस करने के बाद जो बचेगा 4,000, क्योंकि हम प्रोविजन बनाते हैं डेटर पे, तो यहाँ पर देखो ये लेस हो जाएगा। अगर मेरे पास
अकाउंट में 10,000 प्रोविजन का अमाउंट होना चाहिए, पहले से ही 6,000 है तो हम और 4,000 ही पीएल से चार्ज करेंगे, बाकी क्यों करेंगे, ये हो गया। अच्छा अब बोल रहा है इनकम टैक्स का प्रोविजन 30%, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से लेस होगा, जो इनकम टैक्स वाला है ये टैक्स यहाँ से 30% लेस हो जाएगा एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है। 30% हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है तब पता चलेगा, पहले हम लोग को पीएल कैलकुलेट करना पड़ेगा तब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है 30% वो पता चलेगा, और इसको हमें और एक जगह पे भी लिखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहाँ बनेगा, करेंट लाइबिलिटी में, यहाँ जगह है लिख लेते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसका भी नोट बनाना पड़ेगा फिर। नोट 21 शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो एक बार पीएल में चला जाएगा इंपैक्ट और एक बार बैलेंस शीट में, हो गया। अच्छा अब यहाँ पर डेप्रिशिएशन एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिशिएशन ऑफ 16,000 ऑन बिल्डिंग एंड 24,000 ऑन मशीन, तो 16 और 14 मिला के शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब देखो ये डेप्रिशिएशन 16 और 24 कितना हो जाएगा 40,000, ये करेंट ईयर का डेप्रिशिएशन है जो हम लोग ऑलरेडी देखो ट्रीट कर चुके हैं, करेंट ईयर का जो डेप्रिशिएशन है 40,000 वो हम लोग लिख चुके हैं, कहां पर डेप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में लिखा है, कहां चला गया, बहुत सारा नोट्स है, ये रहा 40,000, ठीक है। ये दोनों का करेंट ईयर का डेप्रिशिएशन, दो हमारा पीपीई था उसका मिला के लिखा है हम लोगों ने 16,000 और 24,000, तो ये भी तो दो जगह पे जाना चाहिए, एक तो हमारे डेप्रिशिएशन में जा रहा है, ठीक है, ये तो समझ में आता है कि पीएल में जा रहा है, और बाकी बैलेंस शीट में भी तो इसका इंपैक्ट आना चाहिए, आ रहा है। ये 1 लाख जो है इसी में इंक्लूडेड है, 1 लाख में करेंट ईयर का 16 और इधर 1,10,000 में 24, ठीक है, इस तरह से इंक्लूडेड है। अब हम लोग एक एक नोट्स जो है वो पुट करते जाते हैं, तो पहले नोट नंबर 1 में पीपीई 5,70,000, नोट नंबर 1 में पीपीई 5,70,000, ठीक है। अच्छा इसके बाद इन्वेंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक 2,26,000, नोट नंबर 2, 2,26,000, ये भी हो गया क्लोज। अच्छा इसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 4,20,000, इसमें और कुछ नहीं था, बाकी सब तो हम लोगों ने लिख लिया। नोट नंबर 3, ये पॉइंट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ये हो जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कितना था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अच्छा इसमें ये वाला इंफॉर्मेशन भी तो आएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, इससे हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक पता चला, तो ये जो स्टॉक इन ट्रेड है इसमें हम लोग का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स है ये तो आएगा, अच्छा ये और एक जगह पे ये वाला आएगा ना, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड में मेटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, अच्छा फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में हम लोग का परचेज का जो ओपनिंग स्टॉक है वो कहां पर आएगा, परचेज का भी तो ओपनिंग स्टॉक आया ना, ये देखो ये बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, यहां से हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि हम लोग का ओपनिंग स्टॉक आया 20,000, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,80,000, अच्छा एक सेकेंड यहाँ पर एक एडजस्टमेंट होगा, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन बाय ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, तो हम लोगों ने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक निकाल लिया 20,000, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया 1,80,000, और इन दोनों का डिफरेंस है मेरा 1,60,000, 20 minus 1,80,000, अब परचेज कितना दिखा रहा है मेरा, यहाँ पर परचेज का अमाउंट दिख रहा है 4,20,000, एक मिनट देखते हैं, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स 4,20,000, ठीक है, सैलरी ये सब दे रखा है, लेकिन ये भी तो मेरा दो जगह जाना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक जो है ये मेरा आना तो चाहिए कहां पर आएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ परचेज में ही आना चाहिए, ये देखो एक्चुअली यहाँ पर हम लोग नॉर्मली इसमें क्या लिखते हैं,
ये देखो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर जब हम लोग लिखते हैं ये वाला देखो, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन ये कौन सा वाला लिखते हैं, जो रॉ मेटेरियल वाला होता है, ठीक है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का, ये हम लोग का ओपनिंग हो गया, ये हम लोग का क्लोजिंग हो गया, और परचेज का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 1,60,000 का तो दो जगह एडजस्टमेंट होना चाहिए ना, तो ये 1,60,000 को कहाँ पर दिखाएंगे, और एक बार क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, ठीक है। अभी 4,80,000 लिखते हैं, अभी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर कैसे है, 4,20,000 है वही लिखते हैं, यहाँ पर कितना बोला है परचेज ऑफ फिनिश गुड्स 4,20,000, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, नोट नंबर 3। अच्छा, इसके बाद नोट नंबर 4, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सिर्फ सैलरी है, ये भी क्लोज 1,20,000, नोट नंबर 4, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सैलरी 1,20,000, 1,20,000। अच्छा, इसके बाद नोट नंबर 4 के बाद नोट नंबर 5, अदर एक्सपेंसेस ऐड नहीं किया है, कर लेते हैं, इसका टोटल करके देखो 36 और 4 40 60 70 70, और यहाँ पर 74 प्लस 50,000 कितना हो जाएगा 124, मतलब 1,24,000 अदर एक्सपेंस, ये वाला लिखेंगे नोट नंबर 5 अदर एक्सपेंसेस, और डेप्रिशिएशन 40,000 नोट नंबर 6, नोट नंबर 5 और 6 हो जाएगा, अदर एक्सपेंसेस 5 डेप्रिशिएशन 6, ये 40,000 और ये वाला 1,24,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2,40,000, इसमें तो और कुछ नहीं था, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2,40,000 एसेट साइड में जाएगा, यहाँ पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब करेंट एसेट में आएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट में आएगा, तो ये है नोट नंबर डी, ठीक है, नोट नंबर डी, सॉरी नॉन करेंट है ना, तो फिर मुझे यहाँ क्यों देना चाहिए, ये तो करेंट एसेट है, मुझे नॉन करेंट एसेट में देना पड़ेगा, इसका मतलब मैंने नॉन करेंट माना है ना, इन्वेस्टमेंट था एक, उसको मैंने नॉन करेंट माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अगर करेंट मानते तो वहां पर लिखना पड़ता। अच्छा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का नोट नंबर और उसका वैल्यू, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का हम लोग का वैल्यू तो है 2,40,000, नोट नंबर कितना था देख लेते हैं, ये है हम लोग का नोट नंबर 7, और फिर अदर करेंट एसेट में इंटरेस्ट एक्रूड 4,000 नोट नंबर 8, तो ये नोट नंबर 7 और 8 यहाँ पर लिख दिया मैंने 7। अच्छा, अब अदर करेंट एसेट ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर डी, अदर करेंट एसेट नोट नंबर 8, और इसमें कौन सा है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000 अमाउंट कॉलम, ये नोट कॉलम बन गया, ये अमाउंट कॉलम बन गया, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते सही लिखा कि नहीं मैंने, नोट नंबर 8 ये वाला, ठीक है, 4,000। अच्छा, इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 56,000 नोट नंबर 9 जो है फाइनेंस कॉस्ट में पुट हो जाएगा, नोट नंबर 9 ये यहाँ पर पुट हो जाएगा, नोट नंबर 9 फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये है 56,000, एक बार चेक कर लेते फिर से 56,000 है कि नहीं। अच्छा, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 1,20,000 ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब करेंट एसेट में जाएगा 1,20,000, ये मैंने नहीं लिखा है तो इसको भी लिख लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा, ये हम लोग का
एडवांस टैक्स पेमेंट था 1,20,000 का, नोट नंबर देख लेते एक बार, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नोट नंबर हम लोग का कहाँ चला गया, ये रहा 1,20,000, नोट नंबर 10, अच्छा 10 लिख लेते, ये हो गया 10, अच्छा अब आगे देखते हैं 11 में क्या लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000, 11 नंबर यहाँ पर 2,40,000, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल हो गया 2,40,000, अच्छा इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक 60,000 और कुछ नहीं था, नोट नंबर 12, 60,000, नोट नंबर 12, 60,000, अच्छा उसके बाद नोट नंबर 13, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10,40,000, नोट नंबर 13, नोट नंबर 13, 10,40,000, अच्छा नोट नंबर 13 हो गया, अच्छा ये नोट नंबर 14, इसको क्लोज करते हैं, ये है अदर करेंट लाइबिलिटी 10 और 4, 14, 14 और 28, 42 में, 42, नोट नंबर 14, 42, करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी 42,000 और नोट नंबर कितना था, अच्छा 15 में इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ 14 और 15 दोनों ही लिख लेते, ये नोट नंबर दे देते और वो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लेते, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 और यहाँ पर नोट नंबर ये 14 हो जाएगा, अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी नोट नंबर 14, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं 42,000, अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल ये हम लोग का नोट नंबर 15, शेयर कैपिटल है 4,00,000, शेयर कैपिटल है 4,00,000, अच्छा इसके बाद ये वाला ये कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन ये तभी कंप्लीट होगा जब हम लोग का पीएल बनेगा, ठीक है। अब ट्रेड पेएबल क्रेडिटर ये लिख लेते हैं 1,84,000, नोट नंबर 17, नोट नंबर 17, ट्रेड पेएबल 1,84,000, ट्रेड पेएबल भी बन गया, ये डिवेंचर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 18, 4,00,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 18, 4,00,000, 18 और ये 4,00,000, कंप्लीट। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अदर इनकम 24,000, नोट नंबर 19, अदर इनकम 24,000, ये वाला चेंजेस इन स्टॉक ये तो लिख दिया मैंने, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन जब हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग पहले ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो गया 10,40,000 प्लस 24, कितना हो जाएगा 10,64,64। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा एक्सपेंसेस का, 4,20,000 माइनस 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 56 प्लस 40 प्लस 1,26,00,000 आ रहा है, लेकिन आंसर जो है ना उसके साथ मैच नहीं हो रहा है मेरा, 7,60,000 आंसर में इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या किया है जो हम बोल रहे थे, जैसे देखो हम लोग का जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है वो दो जगह फुट होता है, तो 1,60,000 ये हम लोग का एक्सेस अमाउंट बता रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक। अच्छा अब मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा जो हुआ है वो क्यों हुआ है,
मतलब क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है वो कैसे आता है? हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कब बनेगा? जब हम लोगों ने मतलब परचेस किया होगा. देखो परचेस भी यहाँ पर बताया था, हम एक बार पूरा यहाँ पर बताते हैं ये क्यों परचेस में मेरा ऐड होगा. देखो हम लोगों ने परचेस किया 4,20,000, ठीक है. अच्छा ओपनिंग स्टॉक में कितना आया? ओपनिंग स्टॉक था 20,000 का. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का आया है 1,80,000, ठीक है. तो परचेस 4,20,000, ओपनिंग स्टॉक, तो परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक यानी 4,40,000 हो जाएगा, ठीक है, 4,40,000. अच्छा अब इससे अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे तो कितना आएगा? ये हम लोग को कंजम्पशन बताया जाएगा, ठीक है. तो एक मिनट देखते हैं, 4,4 मतलब कितना हम लोगों ने स्टॉक सेल कर दिया, 1,80,000 मतलब 2,60,000 ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, 2,60,000 ये हम लोग का COGS हो जाएगा. बट ये 1,60,000 जो है इसका दो जगह पे हमारा ऐड होना चाहिए. एक तो हम लोग जो है चेंजेस इन PL में ये दिखा रहे हैं, और यहाँ पर क्या किया है मतलब जो हमारा आंसर है उसके हिसाब से ये 4,20,000 में ऐड हो जाना चाहिए. क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक, मतलब ये ऐड होने से हम लोग का 6,00,000 आ रहा है ना, तो ये हम लोग का ऐड होने से हो जाएगा 7,60,000. बट ये ऐड क्यों हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक. वन लैख सिक्सटी से ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस तो यहाँ पर आ जाएगा. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी अगर हो तब ठीक है, समझ में आता है कि ये 20,000, परचेस 4,20,000 है. लेकिन इसका एडजस्टमेंट एक बार तो और कहीं पर जाना चाहिए, लेकिन ये परचेस के साथ ऐड क्यों होगा ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है. 1,60,000 क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ओपनिंग स्टॉक से 1,60,000 है. मुझे तो दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है. मेटेरियल कंज्यूम्ड में तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं क्योंकि मेटेरियल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये तो हमें क्वेश्चन में बताया था कि 4,20,000. ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरा ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, तो इसका डिफरेंस 1,60,000 आ गया. पता नहीं क्यों ऐड किया, लेकिन एडजस्टमेंट दो बार होगा, लेकिन यहाँ क्यों हो रहा है रीजन ही तो नहीं समझ में आ रहा. कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड ये तो छोड़ो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है क्यों यहाँ पर 1,60,000 ऐड होगा? 4,20,000 तो मेरा स्टॉक परचेज है, और चेंजेस इन WIP ये तो मेरा स्टॉक चेंजेस है. तो यहाँ पर 4,20,000 में 1,60,000 ऐड हुआ है, और 1,60,000 ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का गैप है. ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का गैप है 1,60,000. तो अगर हम इसको टी शेप में करें तो ये ओपनिंग स्टॉक, एक बार समझने के लिए, ओपनिंग स्टॉक जो है ये मेरा हो जाएगा 20,000, ठीक है. टू परचेज, परचेज मेरा हो जाएगा 4,20,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000. बाकी यहाँ पर मेरा सेल और यहाँ पर मेरा GP आ जाएगा. तो परचेज में तो मेरा परचेज आ जाएगा. परचेज मेरा दो तरह का हो सकता था, फिनिश गुड्स का और रॉ मेटेरियल. अब यहाँ तो रॉ मेटेरियल का कंसेप्ट है ही नहीं, और वो होता भी है तो कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड में चला जाता है. WIP तो हम लोग परचेज कर नहीं सकते. तो ये जो 4,20,000 है ये हम लोग का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में चला जाएगा, और ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ पर जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल तो हम लोग का ये चेंजेस हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का. अब ये दोनों का डिफरेंस बता रहा है 1,60,000. इससे क्या समझ में आएगा हमें? डिफरेंस तो हमारा डायरेक्टली चला जाएगा जो चेंजेस इन स्टॉक है वहां पर. हम लोग अपना 6,00,000 के साथ ही करते, देखते हैं शायद टैली नहीं होगा, फिर भी हम देखते हैं एक बार. ये देखो यहाँ पर एक्सपेंसेस हो गया 6,00,000. प्रॉफिट रिटर्न बोले, रिटर्न रिटर्न बोलते क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000. এটা ভ্যালুটা বলছে কি, মানে ভ্যালুটা বলছে তো যে ক্লোজিং আর ওপেনিং এর ডিফারেন্সটা বলছে 1,60,000.
রিটার্ন মানে তুমি বলছো এতটা আমার, এটা বলতে চাইছো কি আমার এতটা স্টক রয়ে গেছে পারচেজ করা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এতটা স্টক পারচেজ করা রয়ে গেছে 1,60,000, তাহলে আমার পারচেজের ভ্যালুটা আরো বেশি ছিল। আচ্ছা, ইয়ে যো পারচেজ লিখা হুয়া থা, ইয়ে ক্যাসে লিখা হুয়া থা একবার পড়কে দেখতে। পারচেজড ফিনিশড গুডস 4,20,000। ফিনিশ গুডস ই তো ইয়াহা পর সব কুছ হ্যায়, ইয়াহা তো র মেটেরিয়াল কা কুছ হ্যায় নি, আর ফিনিশ গুডস কা মেরা 1,60,000 বচ গিয়া হ্যায়। ইয়াহা ইসকা মতলব কি গ্রস নহি দিয়া হুয়া হ্যায়, এসা মান কে চলনা পড়েগা। আচ্ছা দেখো ইয়ে ক্যা হ্যায়, ইয়াহা পর ইয়ে তো ট্রায়াল ব্যালেন্স হ্যায়। আচ্ছা ইয়ে আব দিমাগ মে আয়া, ইয়ে দেখো ইয়ে তো ট্রায়াল ব্যালেন্স হ্যায় না, ইয়ে ইয়াহা পর ক্যা লিখা হুয়া থা, ইয়ে হাম লোগ কা এক ট্রায়াল ব্যালেন্স হ্যায়। ট্রায়াল ব্যালেন্স কে অন্দর না কবি ক্লোজিং স্টক নেই হোতা হ্যায়, তুম লোগ কোই ভি কোয়েশ্চন দেখ লো, হামেশা ট্রায়াল ব্যালেন্স কে বাহার হি ক্লোজিং স্টক হোতা হ্যায়। লেকিন ক্যা ট্রায়াল ব্যালেন্স কে অন্দর ক্লোজিং স্টক নেই হো সকতা হ্যায়? হো সকতা হ্যায়। আগর ট্রায়াল ব্যালেন্স কে অন্দর ক্লোজিং স্টক দিয়া হুয়া হ্যায় তো ইয়ে পারচেজ মে ক্লোজিং স্টক অ্যাডজাস্ট করকে দিয়া হুয়া রহতা হ্যায়, ইসে হাম লোগ বোলতে হ্যায় एडजस्टेड परचेज। वो लिखा हो या ना हो, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो परचेज एडजस्टेड परचेज है। मतलब ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये परचेज ऑफ फिनिश गुड्स का कंज्यूम्ड मतलब सेल पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, कि हम लोगों ने जो गुड्स खरीदा था उसमें मेरा ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करके दे दिया है। तो मुझे अगर एक्चुअल परचेज पता करना है तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है उसे एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअली मेरा परचेज कितना है। ये एडजस्टेड परचेज दिया है, मतलब यहां से ना क्लोजिंग स्टॉक का और ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के बाद दिया हुआ है। कैसे पता चलेगा, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो परचेज में क्लोजिंग स्टॉक हमारा एडजस्ट किया हुआ है, इसे हम लोग एडजस्टेड परचेज बोलते हैं। मतलब यहां पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है ना वो एडजस्ट किया हुआ है। मतलब मेरा ओपनिंग स्टॉक जो भी था दैट इज इस क्वेश्चन के हिसाब से 20,000 और क्लोजिंग में बचा था 1,80,000, तो इसका जो डिफरेंस 1,60,000 आया था ना वो यहाँ से लेस किया हुआ है, ये एडजस्टेड परचेज है। मतलब ओपनिंग और माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके जो आ रहा है वो परचेज वैल्यू यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब परचेज में ये वैल्यू एडजस्ट करके दे दिया है कि ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस क्या होता है, ये एडजस्टेड परचेज है। तो एडजस्टेड परचेज तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें परचेज चाहिए। देखो एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या हो जाता है, एडजस्टेड परचेज का मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। लेकिन मुझे परचेज चाहिए तो एडजस्टेड परचेज है 4,20,000, ठीक है। अब ओपनिंग कितना है, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस कितना है, नेगेटिव में 1,60,000, ठीक है। अब ये यहाँ पर परचेज अगर निकालना है तो ये यहाँ पर एड हो जाएगा, ठीक है। अब सही है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ये परचेज एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब कितना, जैसे रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड होता है तो जो स्टॉक हम लोगों ने परचेज किया था उससे कितना, मतलब ये बेसिकली COGS हो जाता है, मतलब COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से दिया हुआ है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखा हुआ है। तो इसीलिए यहां पर हमें अगर एडजस्टेड परचेज नहीं, परचेज चाहिए क्वेश्चन के मतलब सॉल्यूशन के लिए, तो परचेज कैसे निकालोगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो हमें पता है 1,60,000, या फिर इंडिविजुअली लिख लो, या फिर इंडिविजुअली लिख लो, ठीक है। तो यहां 1,60,000 नेगेटिव में आएगा, फिर ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो हमें परचेज मिलेगा, इसीलिए होना चाहिए, ठीक है। और ये रीजन वही है, मतलब इतना हमारा रह जा रहा है स्टॉक, तो ये यहाँ पर 1,60,000 ऐड इसीलिए होगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिया हुआ था। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के लेकिन बाहर होता है। तुम लोग देखोगे कभी फाइनल अकाउंट्स किए हो, इंडिविजुअल भी फाइनल अकाउंट्स किए हो, मतलब जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसमें भी। तो नोट नंबर 3 को ना थोड़ा ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ये है एडजस्टेड परचेज, ठीक है। एडजस्टेड परचेज है 4,20,000। अब एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझा लिख देते हैं ताकि याद रह जाए। एडजस्टेड परचेज मतलब ओपनिंग प्लस परचेज एक्चुअली और लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है एडजस्टेड परचेज। अब यहाँ पर एडजस्टेड परचेज है हम लोग का 4,20,000, हम लोग का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है नेगेटिव में 1,60,000, ठीक है, प्लस परचेज। तो परचेज कितना आ जाएगा, देयर फॉर परचेज इक्वल टू
1,60,000 प्लस 4,20,000, तो ये हो जाएगा 5,70,000, सॉरी 5,80,000। अब ठीक है, अब हो जाएगा 5,80,000। एक काम करते इसको सही कर लेते, ये हो जाएगा मेरा 5,80,000, 5,80,000। अब ये यहाँ पर और भी हमारा 7,60,000 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 7,60,000। अब 7,60,000 से 10,64,000 माइनस करो, ये हम लोग का प्रॉफिट हो गया। अब टैक्स इस पे 30%, 91,200 लेस कर देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 32,12,800 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये पता चल गया। अब ये पॉइंट जो है हम लोग को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में लिखना पड़ेगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का नोट मैंने बना रखा होगा, यहाँ पर इतना सारा पुट हो चुका है सेल तक, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, ये रिजर्व सरप्लस को बना लेते हैं क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि कितना अमाउंट जाएगा पीएल में। अच्छा, यहाँ पर रिजर्व सरप्लस में देखो, जनरल रिजर्व में कितना है, 80,000 है, ओपनिंग पीएल में है 50,000, ऐड करेंगे करंट ईयर पीएल, तो करंट ईयर पीएल 2,12,800, 2,12,800, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐड करने से 2,62,800, और कुछ बोला था जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोला था, ये देखो यहाँ पर मेक ए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये पॉइंट, अच्छा नहीं यहाँ तो कुछ बोला नहीं है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, नहीं चलो कुछ नहीं बोला है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर मुझे नहीं लगता रूल्स लगाने का जरूरत है, छोड़ो बोला नहीं है तो हम लोग क्यों ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है चलो। तो ये हम लोग का पीएल का यहाँ पर लिख लिया, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में भी हम लोग लिख लेते हैं, कहाँ पर है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आया 91,200, ये लिख देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, 91,200, हाँ ठीक है 91,200 लिखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 91,200, और इसका बैलेंस सॉरी इसका नोट नंबर 91,200 का नोट नंबर है 21, बस कंप्लीट हो गया। अब ऐड करना पड़ेगा, पहले पीएल भी लिखना पड़ेगा, अच्छा ये 21 लिख लेते हैं, और रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस का बना लेते हैं, रिजर्व सरप्लस का यहाँ पर टोटल, इसका भी ऐड करेंगे पता चल जाए, 2,62,800 प्लस 80,000, ठीक है 3,42,800 ये हम लोग का हो गया रिजर्व सरप्लस, 3,42,800 नोट नंबर 16, चेक करो, एक बार चेक करो टोटल कितना हो रहा है, टोटल हम लोग का टैली हो रहा है कि नहीं, इलेवन लैख फोर्टी टू एट हंड्रेड प्लस 1,84,000 प्लस 91,200 प्लस 42, 14,60,000, और एसेट साइड देखो इतना आ रहा है कि नहीं, मेरा कैलकुलेशन ठीक हुआ कि नहीं, हम एक बार आंसर देखते हैं, 14,00,000, हाँ ठीक है। अच्छा फिर माइनस कर लेते हैं, टैली होगा तो फिर सब ठीक है, 5,70,000 माइनस 2,40,000, अच्छा माइनस 22,600,000,
और 2,40,60 मतलब 3 लाख हो रहा है, 124, हाँ ये दोनों मिला के 1,24,000 ही हो रहा है, तो ये हो गया 14,60,000, ठीक है 14,60,000 आंसर जो है ये हमारा मैच हो गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो हम जनरलिज्म में एक बार 10% बोल रहे थे ना, वो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, एक रूल्स होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी को थोड़ा बहुत अमाउंट जनरलिज्म में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो कभी कभी हम लोग ऐसा एजम्पशन लेके क्वेश्चन कर सकते हैं कि कंपनी में कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं बोला है, तो एज्यूम टू बी 10%, ठीक है 10% से ज्यादा एजम्पशन लेने का जरूरत नहीं। अगर एजम्पशन लेके करेंगे तो हमें वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो उसमें भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि हम लोग 10% जो है ट्रांसफर करना चाहते हैं जनरलिज्म में, तो कहाँ से ट्रांसफर करेंगे, पीएल से। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें बता दिया था कि कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहां पर हमें एजम्पशन लिखना पड़ेगा कि हम लोग 10% ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर ऐड हो जाएगा जो ट्रांसफर अमाउंट होगा करंट ईयर का, और यहाँ से लेस हो जाएगा कितना करना है। एजम्पशन हमेशा 10% होता है कि हम लोग 10% ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो 10% कहाँ से होगा, ये वाले पीएल से, करंट ईयर के पीएल से। तो 21,280 इतना ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर 21,280 ऐड हो जाएगा, बात एक ही है। अगर ऐसा करते भी हो तो भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, टोटल इतना ही रहेगा। ये देखो 80,000 में 21,280 ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 50,000 पीएल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग जो है 21,280, यहाँ से माइनस हो जाएगा 21,280, ठीक है, तो 3,42,800 ही आएगा। बट ये देखने में कुछ इस तरह से हो जाएगा अगर हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि हम लोग 10% ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा, बाकी एज इट इज कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा करके दिखाते हैं हम लोग कि एज्यूम टू बी 10% ट्रांसफर, कभी कभी ये किया जाता है कि कंपनी जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो ये एजम्पशन ले सकते हैं कि 10% ट्रांसफर किया जा रहा है जनरल रिजर्व में, ये रूल्स के हिसाब से होता है। अगर नहीं लेंगे तो एजम्पशन लिखने का जरूरत नहीं है, एजम्पशन लेते हो तो 10% लिखो, लेकिन उसमें यहां कैलकुलेशन में डिफरेंस दिखेगा नोट्स में, बाकी फाइनल चीज में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि फाइनल तो हम लोग टोटल अमाउंट ही लिखते हैं। तो अगर करना चाहो तो ये थोड़ा सा पेंसिल से अपने कॉपी में करके रख लो, अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसा होगा, ठीक है 10% अगर करना चाहते हो तो। बस और तो कुछ नहीं था यहाँ पर, हो गया बस वो परचेज वाला पॉइंट दिमाग में नहीं आ रहा था कि ये क्लोजिंग स्टॉक अंदर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के, इसीलिए। अच्छा फिर भी एक क्वेश्चन बाकी रह गया है 6th नंबर, और ये इसमें काफी सारा डिटेल्स है, ठीक है। तो 6th नंबर वाला तुम लोग होमवर्क में करो, देखो हो रहा है कि नहीं, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में ये करवा देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।